नमस्कार महादेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो हूँ आपको एसजी श्रीखंडे के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इनका जन्म जो था कब हुआ था, तो इनका जन्म जो था 1934 में ग्राम खामेना, कहाँ पर हुआ था, ग्राम खामेना, जिला कौन सा था, दमोह, और ये कहाँ पड़ता है, एमपी में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मूर्तिकला में जो डिप्लोमा था वो 1958 ईस्वी में पूरा कर लिया था। किसमें? 1958 ईस्वी में इन्होंने मूर्तिकला में डिप्लोमा पूरा कर लिया था। और इन्होंने जो है कला की शिक्षा जो थी राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से ली थी। कहाँ से ली थी? लखनऊ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। आईफैक्स कला संस्था ने श्रीखंडे को जो है 1992 में जो है इन्हें कौन सा सम्मान दिया था, कला विभूषण सम्मान जो है इन्हें प्रदान किया था। किसको किया था? एसजी श्रीखंडे को किया था। और इन्होंने किसके साथ रहकर, किसके सानिध्य में रहकर, या ये पूछ लेता है कि इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे मूर्तिकार अवतार सिंह पंवार। कौन थे? मूर्तिकार अवतार सिंह पंवार। और जो थे इनका पूरा नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो इनका नाम था सदाशिव ये गलत हो गया, यहाँ लिखती हूँ, यहाँ गंगाधर श्रीखंडे, क्या था, गंगाधर श्री खंडे, ये इनका जो है पूरा नाम था। ठीक है, तो इनको किस वर्ष जो है वेस्टर्न आर्टिस्ट सम्मान जो था इन्हें प्राप्त हुआ था, तो इन्हें जो वेस्टर्न आर्टिस्ट सम्मान प्राप्त जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और ये जो है 1964 में जो ललित, उत्तर प्रदेश की ललित कला है उसमें जो है इन्होंने, इनके मूर्ति शिल्प को पुरस्कृत किया गया था। कौन से को? साइलेंस को। कौन से मूर्तिशिल्प को पुरस्कार प्रदान किया गया था? साइलेंस को। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो नई दिल्ली में है उनसे इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? वो हुआ था इनको 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। और ये जो थे प्रसिद्ध संत राज श्रीखंडे का पूरा नाम क्या है, जो अभी मैं बता रही थी, तो इनका पूरा नाम है सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। तो इन उत्तर कला ललित कला से इनको जो है 1964 में जो था रजत जो है रजत पदक जो है इन्हें प्राप्त हुआ था। किसके लिए? साइलेंस के लिए। इनकी जो है और है आगे पूछा जाता है श्रीखंड को उनके किस प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के लिए 1985 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो वो था नवकृति। किसके लिए मिला था? नवकृति के लिए, जो किस में बनी थी, संगमरमर में बनी थी, और कब बनाई थी, 1983 में। 1983 में श्रीखंडे जो थे इन पे किस पश्चिमी मूर्तिकाल की कला का जो है इन पर प्रभाव था, यानी किस कलाकार से जो ये प्रभावित थे, तो ये थे हेनरी मूर से प्रभावित। किस से प्रभावित थे? हेनरी मूर से। अब जो है आगे इनका संबंध किस कला विद्यालय से था, यानी किस कला महाविद्यालय से इनका संबंध था, तो इनका संबंध जो था लखनऊ कला महाविद्यालय से था। और इनका जो है निधन कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 2001 में हुई थी। अगला है इनकी जो है कौन कौन से मूर्ति शिल्प हैं जो जिसके बारे में ही मैं बता रही, तो एक है मदरहुड। कौन सा है? मदरहुड। ये किस में बना है? कांसे में। एक है पेटू, ये भी कांसे में निर्मित है। दंपत्ति, ये भी कांसे में निर्मित है। युगल, ये जो बना है ये इन्होंने सन 2000 में बनाया, और ये किस में बना हुआ है? ये मिट्टी में बना हुआ। थ्री फिंगर्स, क्या है? थ्री फिंगर्स, ये किस में है? कांसे में। गायिका, ये भी कांसे में है। सीएसटा, ये भी इनका कांसे में है। ब्यूटी, कांसे में है, ये भी बना हुआ। प्रतीक्षा, ये भी कांसे में बना हुआ। उस्ताद, ये बना हुआ है कांसा और संगमरमर दोनों में। वाराणसी जो है वो भी इनका किस में बना हुआ है? कांसे में बना हुआ है। आगे है इनका बनारस के घाट। किसके? बनारस के घाट जो बना हुआ है वो भी इनका किस में है? कांसे में। पैंथोस, ये कांसे में है। सिंगर जो है ये भी कांसे में है। गांधी दर्शन, साइलेंस, स्नेह,
ये जो है मुर्ग किले, ये इसने और मुर्गे ये क्ले में बने हैं। उड़ते हुए बैल ये भी क्ले में बने हैं। सैनिक ये जो बना है इनका टेराकोटा में बना, और कब बनाया 1965 में। गर्भवती जो बनाया है काला संगमरमर में बनाया है। आकार जो है इन्होंने किस में बनाया है, कास्ट में बनाया है। स्त्री जो है ये भी कास्ट में बनाया है। टैगोर की लंबो दर मुखाकृति ये भी इन्होंने कास्ट में यानी लकड़ी में बनाई है। संगीतज्ञों की टोली ये भी इन्होंने किस में बनाई है, ये भी इन्होंने जो है कास्ट में बनाई है। अगला और कब बनाई है, 1962 में। फ्लेयर बांसुरी वादक जो है संगमरमर में बनाई है। माइस्ट्रो जो थी इन्होंने संगमरमर में पत्थर और कांसे में बनाई थी। मदर एंड चाइल्ड जो है क्ले में संगमर में बनी है। नवकृति जो है इनकी संगमरमर में बनी है। ये कब बनाई थी, 1983 में। और बांसुरी वाली कब बनाई थी, 2000 में। और ललित कला का और ये कहाँ पर जो है संग्रहित है, ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, ठीक है। अगला है हे राम, ये कांस्य से बनी हुई है और ये जो है कहाँ पर, आधुनिक राष्ट्रीय कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है, यह वहां संग्रहित है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।